हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सी पेप्टाइड टेस्ट क्या होता है ये टेस्ट कब करवाया जाता है सी पेप्टाइड टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है ये टेस्ट कैसे होता है सी पेप्टाइड टेस्ट की कीमत क्या होती है पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन सी पेप्टाइड टेस्ट क्या होता है सी पेप्टाइड टेस्ट का उपयोग खून में सी पेप्टाइड की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है सी पेप्टाइड एक प्रकार का शॉल्ट प्रोटीन है जो अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है सी पेप्टाइड भी इंसुलिन के साथ ही बनता है इन दोनों की मात्रा भी समान ही होती है लेकिन ये खून में इंसुलिन से ज्यादा समय तक रहता है सी पेप्टाइड शरीर द्वारा बनाए गए इंसुलिन की मात्रा को आंकने में भी सहायक है सी पेप्टाइड शरीर में बने इंसुलिन और बाहरी इंसुलिन जैसे डायबिटीज़ की दवाओं में अंतर बताता है बाहरी इंसुलिन आम तौर पर सी पेप्टाइड पैदा नहीं करता है ये टेस्ट अधिकतर इंसुलिन टेस्ट के साथ ही किया जाता है नंबर टू सी पेप्टाइड टेस्ट कब करवाया जाता है सी पेप्टाइड टेस्ट टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज में अंतर बताने में मदद करता है इसके अलावा ये हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ब्लड शुगर के कारण का पता लगाता है अग्नाशय में ट्यूमर की जांच करना और साथ ही साथ ये भी पता लगाने में मदद करता है कि डायबिटीज़ की दवाएं कितने प्रभावी रूप से काम कर पा रही हैं यदि किसी व्यक्ति को बार बार हाइपोग्लाइसेमिया की शिकायत हो रही है तो ऐसे में सी पेप्टाइड टेस्ट किया जाता है हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण ज़्यादा पसीना आना हृदय में गंभीर रूप से घबराहट होना असामान्य रूप से भूख लगना धुंधला दिखना बार बार बेहोश होना दिमागी रूप से उलझन महसूस होना दौरे पड़ना आदि समस्याएं हो सकती हैं टाइप टू डायबिटीज़ के मरीजों में सी पेप्टाइड टेस्ट को एक नियमित टेस्ट के रूप में भी किया जा सकता है जिसकी मदद से बीटा कोशिकाओं के कार्य व प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है वैसे इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही बीटा सेल्स द्वारा समान मात्रा में बनाए जाते हैं इंसुलिन की हाफ लाइफ फाइव मिनट है जबकि सी पेप्टाइड थर्टी मिनट तक रहता है इस टेस्ट की मदद से यह भी पता लगाया जा सकता है कि मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता है या नहीं ऐसे मरीज जिनकी पेनक्रियास सेल्स का ट्रांसप्लांट हुआ है सी पेप्टाइड लेवल की मदद से इन ट्रांसप्लांट की गई सेल्स के कार्य पर नज़र रखने में भी मदद मिलती है नंबर थ्री सी पेप्टाइड टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है सी पेप्टाइड टेस्ट की नॉर्मल रेंज 0.5 से 2.72 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में होती है हर लैब की रेफरेंस रेंज अलग अलग हो सकती है इसलिए रिपोर्ट का रिजल्ट जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें नंबर फोर सी पेप्टाइड टेस्ट कैसे होता है सी पेप्टाइड टेस्ट के लिए नॉर्मली ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है इस टेस्ट को खाली पेट करवाना अच्छा होता है लेकिन अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं और पूरी जानकारी करने के बाद ही ये टेस्ट करवाएँ नंबर फाइव सी पेप्टाइड टेस्ट का प्राइस क्या होता है सी पेप्टाइड टेस्ट का प्राइस 800 हंड्रेड से 1400 हंड्रेड के बीच में हो सकता है सो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया सी पेप्टाइड टेस्ट क्या होता है ये टेस्ट कब करवाया जाता है इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है ये टेस्ट कैसे होता है सी पेप्टाइड टेस्ट का प्राइस क्या होता है मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो